क्वेश्चन में ना बेटा देखो कारपेट एरिया दिया था, पिछले सम से ये सम में क्या डिफरेंस है, प्लिंथ एरिया नहीं दिया है, लास्ट समय प्लिंथ एरिया दिया हुआ था। सो व्हाट आई हैव टोल्ड लाइक प्लिंथ एरिया बी पी, एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल एंड कॉलम कितना परसेंट बोला, 8% ऑफ प्लिंथ एरिया बोला मैंने, एंड सर्कुलेशन एरिया 20% ऑफ प्लिंथ एरिया बोला, ये अज्यूम किया मैंने, हर बार यही रेंज अज्यूम करना रॉ हाउस के लिए। नेक्स्ट जी प्लस फोर, प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया प्लस एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल एंड कॉलम, ये तीन चीज में एरिया ऑक्युपाई हो जाएगा टोटल बिल्डअप एरिया। तो मैंने बोला लेट प्लिंथ एरिया मतलब बिल्डअप एरिया भी पी, कारपेट एरिया 500 है, 20% घुस गया मेरा इसके अंदर, सर्कुलेशन में पैसेज रहेगा, समझ में आ रहा है, और एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल ये सब 8% 10% तक ले सकते हैं, 8% मैंने लिया। शिफ्ट सॉल्व किया मेरे को 695 बिल्डअप एरिया पता चला मीटर स्क्वायर, 695 मैंने रेट एज्यूम किया 1000 मीटर स्क्वायर, ये मैंने एज्यूम किया रेट 1000 को उसके अंदर सुपरस्ट्रक्चर का कॉस्ट पता चला। अब सब पता लगाना है तो सब में मैंने क्या किया 20% ऑफ सुपरस्ट्रक्चर ले लिया रेट, सो 20% आ गया इतना पैसा, ये दोनों को ऐड किया तो मेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पता चल गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पता चल गया मेरे को तो उसके अंदर मैंने सारे सर्विसेज ऐड किए, तो उसे तो एक बार डायरेक्ट सारे सर्विस ऐड करके ले सकता है जो कि आएगा लगभग 20%, क्योंकि लास्ट मेरे को हमने किया था डायरेक्ट, या तो इसे स्प्लिट करके लेके दिखा सकते हो आपको। तो मैंने इसके अंदर बोला आर्किटेक्चर कॉस्ट 1% है, वाटर सप्लाई 5%, सैनिटाइजेशन सैनिटेशन ये सब 5%, इलेक्ट्रिफिकेशन 9%, अदर सर्विसेज 5%, ये टोटल ओवरऑल सर्विसेज कॉस्ट आ गया। इसके अंदर बिल्डिंग कॉस्ट ऐड किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पता चल गया, दैट इज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लस सर्विसेज, सॉरी तक टोटल कॉस्ट पता चल गया। अगर ये सर्विस सो कंटीजेंसीज ऐड करना है आपको 5% प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10%, दोनों को ऐड करके ओवरऑल कॉस्ट मिलेगा, और ओवरऑल कॉस्ट को आप रेट पर स्क्वायर मीटर डिवाइड बाय प्लिंथ एरिया करोगे रेट पर मीटर स्क्वायर का फॉर्म मिल जाएगा, और ये जाके अपना सम खत्म होगा। इज इट क्लियर?